साहब उसको अपाहिज हो गया साहब, मैं आपकी तारीफ स्कूलों की तारीफ सुन के मेरी बच्ची को भी डाला था कॉलेज होटल के बाजू साहब, बस अच्छे से अच्छा है बोल के मैं आपसे रिक्वेस्ट है साहब मेरे को इंसाफ दियो साहब, मेरा बच्चा मछली तड़पे सरगा तड़ा परा साहब, मेरा बच्चा बाजूर हो गया साहब, फूल जैसा बच्चे को राख राख गिर दिया साहब उंगलिया, मेरा बच्चे ही साधु साहब साहब। और मेरा नाम शेख अहमद है, मेरे बच्चे का नाम शेख मोहम्मद उमर है, मैं खिलवत में रहता हूँ, मेरा बच्चा केसीआर साहब के हॉस्टल में शिलवामपल्ली में पढ़ रहा, फिफ्थ क्लास वहीं पढ़ा, सिक्स क्लास छुट्टियों के बाद बकरीद के बाद लेके आके छोड़ा, इसका आपकी लापरवाही की वजह से भाई बच्चे का मेरा हाथ, मेरे बच्चे का पूरा हाथ जल गया, उंगलियाँ पूरे चार उंगलियाँ जल गए, पैर के उंगलियाँ जल गए, उन्हें अपाहिज हो गया। ये हादसा कब और कैसा हुआ? ये हादसा बच्चा 4:30 के टाइम पे बच्चे को खेलने छोड़ दे, पीटी सर उन लोगों का खेलने के ऐसे ग्राउंड है वहाँ पर, ग्राउंड में छोड़े थे, जंक्शन टेंशन 3 फेज का वायर 2 फीट हाइट पे था, ये बच्चा जो तो बॉल फेंकने गया, सीटी मारे सर तो बॉल फेंकने गया, करंट खींच के 3 फेज पकड़ लिया, बच्चा जो तो आधे घंटे तक बेहोश था, तड़पते था, पूरे उंगलियों से धुआं जा रहा था साहब बच्चे के, बच्चा जो तो तड़प लेते पड़ा, कोई बच्चे आए ना कोई सराए पूरे चले गए दूर, बच्चा चल ले तो होश आने के बाद थोड़ी दूर आने के बाद जब मेरे को फोन मारे तो बच्चे को जरा गिर गया, बच्चा मान लग गया, आप आओ बोल के बोले, तो हम जाने के बाद मेरे आगे एम्बुलेंस गई, बस सर के पीछे मैं गया, किले नंबर 80 के सामने हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं होता बच्चे का बोले तो, वहाँ से डिस्चार्ज करके अवेसी हॉस्पिटल को लेके आए साहब, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बल्दिया वाले लाइट के बिना तो ऐसा लेते साहब, ऐसा लापरवाही कैसा करते। ये हादसा हो गए बाद आपको कितने कब मालूम हुआ? हादसा होने के 1 घंटे के बाद मेरे को फोन आया साहब, तो मैं जब तक बच्चा कहाँ था? बच्चा जब तक वहाँ हॉस्टल के नहीं था, फिर उसको जो है तो गाड़ी में एम्बुलेंस में डाल लेके जब का जब हॉस्पिटल ले लेके जब का जब नहीं बच्चे के नहीं गए नहीं कोई नहीं सरा दूर हट गए साहब मेरे बच्चे को। किधर बच्चा हुआ था? लापरवाही गिर गया चक्कर खा के, कोई बच्चा उठ के जो है सो चल लेते आया, अल्लाह 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 रसूल का सत्ता है, मेरे बच्चे की जान की बला उंगलियों पे गए साहब, केसीआर साहब से अपील है। अभी कौन से हॉस्पिटल में? अभी अवेसी हॉस्पिटल में है ट्रीटमेंट। कौन लेके गए हॉस्पिटल को? हॉस्पिटल में एम्बुलेंस में डाल के एम्बुलेंस में हम लोग ले लेके गए, जाके वहाँ पर बच्चे को डाले पूरे हाथ के उंगलियाँ काट देना, कोई जिम्मेदार नहीं थे स्कूल के सरा, खाली आए सर कुछ भी रेस्पॉन्स आए साथ थे हॉस्पिटल में आए, वहाँ जाने के बाद बच्चा ये हादसे की वजूहत आप कोई प्रिंसिपल या सर से पूछे ये क्यों हुआ जबकि पूरे बच्चे खेल रहे? बच्चा जंक्शन के नहीं गया खेलने गया भाई, और भी बच्चे थे, और भी दूसरे भी बच्चे थे, कोई भी नहीं देखे उनको, कोई बच्चे साथ थे, बच्चे छोड़ के देख के भाग गए, सर भी जो है सर मौजूद थे वहाँ पे, जब सर मौजूद थे सर सर कुछ नाम पीटी सर थे आप लेके गए तो उनको नाम कुछ मालूम आपको? वहाँ पीटी सर का नहीं मालूम, वहाँ नीचे सत्तार भाई बोल के रहते हैं जो वॉचमैन है, और अमजद भाई असद सर और प्रिंसिपल सर ले लेके गए वहाँ पर, वहाँ जाने के बाद बच्चे ऐसा हो गया बोल के सामने मेरे को जहाँ खेल रहे थे वहाँ हमेशा बच्चे खेलते या पहली बार सर? नहीं हमेशा वहाँ खेलते रहते। अच्छा। तो सर की मौजूदगी में हादसा सर के मौजूदगी में लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ मेरे बच्चे के साथ, मेरा बच्चा अपाहिज हो गया, उन्हें पढ़ेगा लिखेगा क्या कंडीशन बता रहे डॉक्टर? डॉक्टर उसके उंगलियां कट कर देना पड़ता बोरे हाथ के पैर के, उसको जो है सो इन्फेक्शन जो है सो और रगों में है तो उसको देख के ट्रीटमेंट करते बोल के बोल रहे साहब, बच्चे का ट्रीटमेंट 2 दिन ऑपरेशन करना पड़ता। कहाँ चोट लगी उनको? उसके हाथ पूरे एक हाथ के सीधे हाथ के उंगलियां पूरे मोम कैसा पिघलती वैसा पिघल गए साहब, पूरे छाले आ गए हाथों पे या गुर्दों पे भी पूरा शॉर्ट सर्किट का वायर का है, और पैर के भी लेफ्ट हैंड के पैर के उंगलियां भी पूरा पैर डैमेज है साहब। इसकी कंप्लेन दी आप? इसकी कंप्लेन सुबह आके ऐसा ही साहब जो है सो आके हॉस्पिटल में लेके गए कंप्लेन अवेसी हॉस्पिटल में, तो साहब केटीआर साहब केसीआर साहब से अपील है मेरे को इंसाफ चाहिए साहब, असद साहब अकबर साहब अहमद पाशा खादरी अहमद बलाला मुमताज खान साहब। आपको कितने बच्चे? मेरे को 2 बच्चे 3 बच्चियां हैं साहब। ये बच्चा बड़ा है छोटे? ये बड़ा है बच्चा
आप क्या काम करते हैं? मैं कपड़े की दुकान है लाड़ बाजार में, बच्चों के रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। बच्चा अच्छा पढ़ लिख के काबिल बनेगा, बच्चा ऐसा ही ऑफिसर पायलट क्या बनता बन जा बच्चे, वो अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट बोल के तारीफ करके हम शिक्षा। ये अखिल साहब के मदरसे के बाजू से गली जा रही है, वहाँ बड़ा एक बिल्डिंग बनी हुई है, रेलवे ट्रैक आता उससे पहले राइट साइड में स्कूल है साहब। मेरे को इंसाफ चाहिए साहब, मेरे बच्चे के साथ हुआ, कोई दूसरे बच्चे के साथ नहीं हो रहा, गरीब गुरबा बेबस बच्चे पढ़ते साहब वहाँ पर। ओके ओके, कम्प्लेन दिए साहब। देखो साहब, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट और बंदिया वालों का भी इसमें जो है सो लापरवाही है साहब। मेरे बच्चे को हुआ हुआ, दूसरे कोई बच्चे को नहीं होना साहब। मेरे को इंसाफ चाहिए केसीआर साहब, मैं इंसाफ मांग रहा हूँ। मजलूम बेकस बेबस बच्चे का बाप आपसे इल्तिजा कर रहा साहब, बेबस लातवा बाप खड़ा हुआ, इंसाफ मांग रहा मेरे बच्चे को। इंसाफ जो साहब, उसके टीचर के हाथ से कुछ करो साहब, उसको अपाहिज हो गया साहब। मैं आपकी तारीफ, स्कूलों की तारीफ सुन के मेरे बच्चे को भी डाला था, डाले थे होटल के बाजू साहब, बस अच्छे से अच्छा है बोल के। मैं आपसे रिक्वेस्ट है साहब, मेरे को इंसाफ जो था, मेरा बच्चा मछली तड़पे सरगा तड़ा बरा साहब, मेरा बच्चा माजूर हो गया साहब, फूल देता बच्चे को राख राख गिर दिया साहब उंगलिया। मेरा बच्चे साधु साहब, स्टाफ और बहुत सारे बच्चे उन लोगों के साथ है था, कुछ भी हादसा नहीं हो रहा साहब। किसी की मदद मिल रही आपको? अभी खाली कल जो है सो लेके आके सारा प्रिंसिपल साहब जो छोड़ने के गए, आज 4 बजे खाली सर को भी गए, खाली आके जो है सो देख लेके चले गए साहब। दवाया तो मैं लेके आके दवाया दिया साहब, मेरे बच्चे को ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करके मेरे बच्चे को ठीक कर दो साहब। हाय, मेरा नंबर 9994818562 है, शेख अहमद मेरा नाम है भाई। आप मुमिन भाइयों से अल्लाह अल्लाह रसूल का वास्ता है, मेरी मदद करो साहब, मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मदद करो मेरे बच्चे का जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करके। एक बार नंबर बोलो आपका फिर से, एक बार 9994818562 शेख अहमद नाम है साहब। मजलूम बेकस बात कर रहा है आपके, आप लोगों के सामने हाथ फैला के मेरे बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रहा हूँ साहब, अल्लाह अल्लाह रसूल का वास्ता साहब।